पप्पू लाओ चाहे पिंका लाओ चाहे कुछ भी लाओ, इन लोगों से सरकार नहीं रुकनी चाहिए। 8 बजे लाइट जाती, दोपहर लाइट जाती, रात में खाने में 10 बजे बैठते लाइट चली जाती है। 24वें मोदी जी के बारे में क्या कहेंगे, वापस सरकार रिपीट होगी या फिर? मोदी जी ऑल इंडिया में, ऑल राजस्थान में, ऑल विदेशों में प्रसिद्ध हो चुके हैं। जो मोदी का काम है वो दिख रहा है, जनता समझती है, जनता जानती है, जो वादा है वो दिख रहा है। पप्पू का जो वादा है, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 गिनती करी थी, वो वादा भी वो मीडिया के तरफ सामने है, ठीक है ना। इनमें कोई कमी नहीं है। अब पप्पू लाओ चाहे पिंका लाओ चाहे कुछ भी लाओ, इन लोगों से सरकार नहीं रुकनी चाहिए। हिंदुस्तान में कौन वोट देता है कौन नहीं देता है, मोदी के नाम पे वोट पड़ता है, किसी MLA MP के नाम पे नहीं पड़ता है ना, मोदी जी के नाम पे पड़ता है। राजस्थान में क्या लगता है आपकी बात? राजस्थान में यही है, 5 साल कांग्रेस, 5 साल भाजपा। कांग्रेस के शासन में 4 साल कम्प्लीट हो चुके हैं, चुनाव आने वाले हैं, तो कांग्रेस में के शासनकाल में जनता को कुछ फायदा हुआ? कुछ नहीं है फायदा जनता को, ये सब जुमले वाली बाजी बोल रहा था वही बाजी है। लाइट सुबह 8 बजे चले जाती है, वो मालूम किसको पड़ता है? जनता को पड़ता है, नेताओं को नहीं पड़ता है। 8 बजे लाइट जाती है, दोपहर लाइट जाती है, रात में खाने में 10 बजे बैठते लाइट चली जाती है, एक एक घंटा दो दो घंटा नहीं आती है। अभी मैं बिजली घर से आ रहा हूँ, वो हमारे को बोल रहे मेटेरियल नहीं है, तो मेटेरियल को जनता थोड़ी ला के देगी, सरकार ला के देगी, ठीक है ना। यहाँ 3 फेज का पोखरण गांधी चौक के अंदर 3 फेज का कनेक्शन नहीं है, सबके वहाँ AC चालू है, ठीक है ना, और हमारे वो पंखे नहीं चल रहे, इसका कोई नहीं देखेगा। बस उनकी तो सरकार बनाओ, उनको वोट दे दो, 5,000, 5,000, 10,000 में वोट खरीदे जाते लिए जाते, सरकारें बन जाती, पैसे वाले पैसों से देते, यही है।